हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन है तो ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे और आसानी से आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इस स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, जो कि गूगल ड्राइव का लिंक है, सेफ एंड सिक्योर। इसको गाइस क्लिक करके आप डाउनलोड करके इस पर क्लिक करोगे। इंस्टॉल करने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक बार अलाउ मांगेगा, अलाउ कर देना है आपको। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, वो है गाइस रिकॉर्ड ऑडियो। इसको गाइस आप यहाँ से इनेबल कर देंगे। इसको इनेबल करने के बाद गाइस आपका ये ऑडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए गाइस आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है, और स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस हमारा 3 2 1 जैसी होगा तो गाइस हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब हम गाइस इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है, हम कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो चलिए गाइस हम सिंपल तरीके से इसको यहाँ पर हम सेव करने के लिए क्या करेंगे गाइस, आपको पावर बटन दबा देंगे तब भी सेव हो जाएगी, और गाइस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कट करेंगे तब भी हमारी ये सेव हो जाएगी। आप देखोगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है। तो इस टाइप से गाइस आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। ओके, आई होप के गाइस आप समझ पा रहे होंगे। ओके, आपने देखा आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो गाइस आई होप कि आप समझ पाओगे कैसे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप खुला है, कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय।